ये देखिए दोनों हमने इस तरीके से बना ली हैं। अब इसके आगे का बताते हैं कि कैसे हम बनाएंगे आगे इसके कैसे। हमने आधा पोर्शन ये कंप्लीट कर लिया है और ये हमने आपको बता दिया कि किस तरीके से आप, जैसे हमने 10 चेन लिए थे तो आप वहाँ 20 ले सकते हैं, 30 ले सकते हैं। अगर आपको ये बनानी है, तितली बनानी है बड़ी, तो इस तरीके से आप जिस तरीके से चाहे उतना बड़ा चेन ले कर आप बना सकते हैं। देखिए ये आधी पंखुड़ी बन चुकी है, आधी बटरफ्लाई कंप्लीट है हमारी, आधी फिर इसी कलर से हम स्टार्ट करते हैं। आगे देखिए कैसे बनेगा ये। इस वाले में यहाँ पे जॉइंट करेंगे इसको, इस तरीके से जॉइंट करेंगे और यहाँ से स्टार्ट करेंगे हम ऐसे करके 1 2 3 4 4 5 6 7 8 8 फंदे लेंगे, 8 1 9 10 ले लेते हैं और सिंपल स्लिप चेन लेके यहाँ पे जॉइंट कर लेते हैं इस तरीके से। देखिए ज़्यादा तो नहीं हो रहा है, ये देखिए इस तरीके से, ठीक है, लेके हमने यहाँ पे इसे जॉइंट कर लिया है। अब क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए यहाँ हमने क्या किया है, एक चेन है फिर दो दो फंदे लेके और ये हमने दो दो का बीच में गैप बना दिया है, तो 1 2 3 और ये 4 यानी कि 8 फंदे हमें बुन लेने हैं। तो 1 2 3 फंदे लिए, इधर टर्न हो गए, अब यहाँ से हम इसकी बुनाई स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे हमें 1 और ये 1 2 बुन लिया, यानी कि चेन को लेके इसको साइड करेंगे। अब हम क्या करेंगे, 1 और ये 2 2 का गैप रखेंगे बीच में, फिर स्टार्ट करेंगे वही प्रोसेस, 1 और ये 2 2 बुन लिए, फिर हम 2 फंदे का गैप रखते हैं, फिर 2 फंदे बुन लेने हैं। ये देखिए 1 और ये 2 फिर 1 और 2 का गैप लिया, फिर यहाँ पे स्टार्ट किया, तो यहाँ पे बनाया हमने 1 और ये 2 2 हो गया हमारा। देखिए कितने फंदे हो गए हमारे, तो यहाँ पे है 1 2 3 4 और यहाँ पे है हमने बना लिया है 1 2 3 2 और 3 और ये 4 कंप्लीट हो गया हमारा। अब फिर हम 1 2 और ये 3 चेन बनाएंगे और टर्न हो जाएंगे। उसके बाद से फिर क्या करते हैं हम, फिर बीच वाले में बनाते हैं और दो दो फंदों का गैप दे देते हैं। तो देखिएगा इस तरीके से 1 और ये 2 2 बना लिए हमने, फिर 2 फंदे का गैप देंगे, फिर 2 फंदे बना लेंगे। देखिए ध्यान से, यहाँ पे हमने 2 फंदे बनाए, फिर 2 फंदों का गैप दिया है, फिर 2 फंदे बनाए, फिर 2 फंद, ऐसी तरीके से करके हमें इसकी बुनाई करनी है। तो 1 2 3 4 4 इसको भी बना लेना है। तो देखिएगा, देखिए फिर यहाँ गैप करना है हमको, फिर यहाँ पे लेना है 1 2 फिर 2 फंदे का गैप, यही प्रोसेस करके हमें इसे कंप्लीट करना है। ये देखिए 2 फिर यहाँ 2 फंदों का गैप देंगे और फिर इस लास्ट वाले में यहाँ पे 2 फंदे बना लेंगे इस तरीके से। देखिए इतना हमारा बन गया, फिर हम 3 चेन बनाएंगे, फिर टर्न हो जाते हैं। ये देखिए इसमें फिर यहाँ पे हम बना लेते हैं 1 2 फिर 2 फंदों का गैप देंगे, 2 चेन बना लेंगे, फिर 2 इसी में बनाना है, इसी वाले में 2 फंदे 2 चेन हाफ डबल क्रोशिया और बना लेंगे। ये देखिए बीच में गैप हो गया, फिर 1 2 चेन लेंगे, फिर यहाँ बीच में बनाएंगे हम 2 हाफ डबल क्रोशिया बना लेते हैं ऐसे, फिर 2 चेन का गैप देंगे,
फिर बीच इसी वाले में फिर दो हाफ क्रोशिया बना लेंगे। देखिए इस तरीके से बीच में दो का गैप है, और फिर ऐसे फिर दो फंदे लेंगे और फिर इस वाले में डाल के ऐसे बना लेते हैं, एक और ये दो, फिर दो चेन लेंगे और फिर दो हाफ डबल क्रोशिया इसके अंदर ही बना लेंगे। देखिए इस तरीके से अब यहाँ से मैं डिज़ाइन स्टार्ट होगी पढ़नी। चलिए दिखाते हैं किस तरीके से। ये देखिए फिर यहाँ पे हम एक दो और ये तीन, तीन बना लेंगे चेन, और फिर बीच वाले में डाल के हाफ डबल क्रोशिया बना लेना है हमें, दो दो हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर दो नहीं चार बना लेने हैं इस तरीके से, चार बना लेंगे एक ही में। इधर देखिए ऐसे नहीं, ऐसे देखिए बनाया हमने, बीच में दो चेन रखेंगे। ये देखिए बीच में दो, एक और दो चेन रखेंगे, फिर यहीं पे हम बना लेंगे दो और, जस्ट जिस तरीके से हमने दूसरी पहली वाली प्रोसेस की थी सेम वही प्रोसेस करना है इस तरीके से। ये देखिए इसमें बन गई, फिर हम दो चेन लेंगे, फिर इस वाले में बनाएंगे चार, बढ़ता हुआ चला जाएगा ये, और यहाँ से हमारी डिज़ाइन फिर स्टार्ट होती है। देखिए दो, फिर एक दो, फिर इसमें बुन लेंगे दो और बुन लेंगे इसी में ऐसे, दो हो गया ये। ये देखिए फिर एक और दो चेन लेंगे और फिर नेक्स्ट वाले में इसमें बुन लेंगे, फिर हमारा हो जाएगा एक और दो, ध्यान से देखिएगा डिज़ाइन, फिर एक दो चेन लेंगे और फिर दो इसमें बुन देंगे ऐसे। देखिए इस तरीके से फिर एक और दो चेन लेंगे और फिर इस वाले में बुनेंगे इस तरीके से, एक और ये दो, फिर दो चेन लेंगे इसमें बना लेंगे दो चेन और फिर दो बार इसमें ऐसे बुन देंगे इस तरीके से। ये देखिए तो एक दो तीन चार, इसमें भी एक बार और बनाएंगे, एक दो चेन लेंगे और इस बीच वाले में फिर बना लेते हैं इसी तरीके से, चार बार हाफ डबल क्रोशिया बना के फिर दिखाते हैं। हमने बना लिया है, अब यहाँ से हमारी डिज़ाइन स्टार्ट होती है, तो हम क्या करेंगे इस वाले चेन में एक दो तीन चार और ये पाँच, पाँच हाफ डबल क्रोशिया बनाते हैं, फिर एक दो चेन लेके फिर इसमें डाल देते हैं। देखिए एक और ये दो, यहाँ से मैं डिज़ाइन स्टार्ट होती है। देखिए ध्यान से दो बना लिए, फिर दो चेन लेंगे और फिर दो बना लेंगे, एक और ये दो, फिर एक दो चेन लेंगे और इसमें फिर हम चार हाफ डबल क्रोशिया बना लेंगे, एक दो तीन और ये चार, इसमें हमें गैप नहीं देना, ये हमारी डिज़ाइन है जो पंखुड़ियाँ हम बनाएंगे जो बनती हुई चली जाएगी। फिर यहाँ एक दो चेन लेंगे और फिर बीच में हम चार बिन देंगे, एक दो, फिर दो चेन बना लेंगे, फिर दो बिन लेंगे इसको, एक और ये दो, इस तरीके से हमारा ये कंप्लीट होता है डिज़ाइन। यहाँ तक हमने बना लिया, यहाँ तक देखिए यहाँ तक हमने बना लिया यहाँ तक। अब इसके बाद हमें क्या करना है, दो और ये तीन इधर टर्न हो जाते हैं ऐसे, देखिए इस डिज़ाइन को। अब हमको ये वाला डिज़ाइन, चलिए हम स्टार्ट करते हैं बनाते हैं, तो देखिए कैसे बनाएंगे। देखिए इतना हमने बना लिया है, अब इसमें फिर हम सेम प्रोसेस जैसे हमने बनाई थी हाफ डबल क्रोशिया दो बना लेते हैं, दो चेन लेंगे फिर इसमें दो और बना लेंगे। देखिए दो बना लिए हमने, और उसके बाद क्या करना है, दो बनाने के बाद ये देखिए हाफ डबल क्रोशिया हमने यहाँ दो बना ली। अभी इस पंखुड़ी पे ये वाली लाइन हमारी चल रही है, ये वाली, इसमें देखिए चार है तो चार की जगह एक दो तीन
तीन चार, एक पाँच हो जाएंगी, ये पाँच हो जाएंगी। बीच बीच में एक एक चैन लेना है, इन चारों को एक एक चैन लेंगे और तब बीनेंगे। और फिर सेम प्रोसेस यहाँ से हमारी ये दो फंदे लेते हुए ये डिज़ाइन इधर चली आएगी और ये डिज़ाइन इधर चली आएगी। तो अब देखिएगा क्या करना है हमें, एक और दो और दो, एक तीन चेन लेंगे इस तरीके से और इस वाले में हम बुनना स्टार्ट करेंगे। तो इसको हम एक एक चेन लेंगे, फिर एक इस तरीके से, फिर एक चेन लेंगे, फिर एक बना लेंगे ऐसे, फिर एक चेन लेंगे और फिर एक बना लेंगे। हर रूम में हर एक चेन में ऐसे ही हम बना लेंगे। ये देखिए ये हमने बना लिया चार, उसके बाद से एक दो और तीन चेन बनाएंगे और फिर ऐसे देखिए इस बीच वाले में डाल के यहाँ हमें चार बना लेने हैं हाफ डबल क्रोशिया, जैसे हम पहले स्टार्ट कर रहे थे वैसे। ये देखिए दो, फिर एक और दो, बीच में गैप रखेंगे और ऐसे एक और ये दो। ये देखिए हो गया, ये डिज़ाइन इधर चली जाएगी और ये डिज़ाइन इधर चली जाएगी। ये देखिए इस तरीके से, देखिए दो दो और चेन ले लेते हैं और फिर दो इसमें और बना लेते हैं, तो जिससे हमारी एक सेट की डिज़ाइन क्लियर हो जाएगी। देखिए इस तरीके से ऐसे यहाँ तीन बन गया है। जैसे यहाँ हमने ये इस वाले दिन में देखिए इस तरीके से, ध्यान से देखिए, एक और दो और ये तीन, तीन बने हुए हैं, वहाँ भी हमने तीन बना लिया। उसके बाद से क्या करना है हमें, एक दो और ये तीन, तीन फंदे लेके चेन लेके और इस वाली में फर्स्ट वाली रो को ऐसे बीनते हुए चले जाएंगे। एक एक चेन लेंगे, फिर एक बनाएंगे, एक चेन लेंगे, जिस तरीके से उसको हमने किया था सेम वही प्रोसेस करना है। ऐसे दो इस तरीके से, इस तरीके से ये देखिए। फिर हम यहाँ पे एक दो और ये तीन चेन लेंगे और फिर इस वाले में डिज़ाइन बना लेंगे, चार हाफ डबल क्रोशिया, एक दो, फिर दो चेन लेंगे, फिर दो बना लेंगे, एक और ये दो, इस तरीके से हमने बना लिया। अब यहाँ से देखिए हमारी ये वाली डिज़ाइन भी स्टार्ट हो जाएगी इसके, यहाँ से हम ये आगे वाली डिज़ाइन बनाते, देखिएगा यहाँ से ये हो गया है। यहाँ से हम चेन लेंगे और इस वाली डिज़ाइन को अब फर्स्ट वाली को ऐसे कंप्लीट करेंगे। देखिए ये रो हमने कंप्लीट की है और फिर यहाँ से टर्न होंगे तो ये वाली रो, तो यहाँ पे हम एक दो तीन चार पाँच छः सात, सात चेन ले लेते हैं और टर्न हो जाते हैं। उसके बाद फिर सेम यही प्रोसेस में करना है हमें, एक दो, दो चेन बना लेंगे और फिर दो चेन लेंगे और फिर हाफ डबल क्रोशिया दो बना लेते हैं ऐसे, जी इस तरीके से। और फिर क्या करेंगे हम, एक दो तीन, तीन चेन लेंगे और इस वाले में फिर हम सेम प्रोसेस वैसी बनाते चले जाएंगे। देखिए यहाँ से घटना स्टार्ट हो जाएगा, एक चेन लेंगे, फिर एक यहाँ बना लेंगे, फिर एक चेन लेंगे, फिर एक यहाँ बना लेंगे, फिर एक चेन लेंगे, फिर एक यहाँ बना लेंगे ऐसे। देखिए ये हमारा घटते क्रम में हो गया। फिर दो तीन, तीन चेन लेंगे और फिर हम इस वाले में ऐसे एक ये बना लेंगे और ये दो, दो हमने बना लिए, फिर दो हाफ डबल, दो चेन बनाएंगे, फिर दो हाफ डबल क्रोशिया बना लेते हैं इसी में। देखिए एक साइड की हमारी डिज़ाइन क्लियर हो गई। ये देखिए
फिर हम यहाँ से एक दो तीन चेन लेंगे और इधर इधर टर्न हो जाएंगे। हमें अब इस वाली पंखुड़ी को कंप्लीट करना है, तो देखिएगा इसको, फिर इसमें डाल के ऐसे एक और ये दो, फिर दो चेन लेंगे बीच में, फिर दो बना लेंगे इस तरीके से। ये देखिए बना लिया हमने, फिर एक दो तीन चेन लेंगे और फिर इसकी जस्ट बीच वाले में ऐसे डाल के बना लेंगे, एक हाफ एक चेन बनाएंगे, एक हाफ डबल क्रोशिया, फिर बीच वाले में घटता चला जाएगा। ये देखिए एक लास्ट वाला ये थर्ड बनेगा, देखिए। फिर हम तीन चेन लेंगे, एक दो और ये तीन, तीन चेन लेंगे और फिर बीच वाले में ऐसे इसको बिन देंगे, दो हाफ डबल क्रोशिया बना देंगे। वही वाला प्रोसेस सेम करना है, देखिए दो बनाने के बाद दो चेन लेंगे हम, दो, उसके बाद से फिर दो सीम बनाएंगे, एक और ये दो, दो हमने बना लिए। फिर ये वाली डिज़ाइन हम ये डालने के लिए एक दो तीन चार पाँच छः और एक सात, सात चेन बनाएंगे, एक दो, एक दो, तीसरे रो से ही डिज़ाइन स्टार्ट होगी, तीसरे रो से भी डिज़ाइन स्टार्ट हुई है, चलिए सही है। फिर यहाँ से इसको ऐसे टर्न होंगे और फिर इसमें हम ऐसे बुनाई करेंगे, दो हाफ डबल क्रोशिया, बीच में दो चेन, फिर दो हाफ डबल क्रोशिया इसी के अंदर ऐसे, फिर तीन चेन लेते हैं, एक दो तीन, तीन चेन लेंगे, फिर बीच में बनाएंगे, दो फंदे बनेंगे हमारे ऐसे, एक, फिर एक चेन लेंगे, फिर इसमें एक ऐसे, फिर तीन चेन ले लेते हैं और फिर हम सेम प्रोसेस इसमें वही करना है। ये देखिए एक दो, दो हो गया, फिर दो चेन बनाएंगे और फिर दो यहाँ हाफ डबल क्रोशिया फिर बना लेंगे। ये देखिए फिर यहाँ से एक दो तीन चेन लेंगे और इधर टर्न हो जाएंगे। अब हमारी डिज़ाइन लास्ट होने जा रही, डिज़ाइन की देखिए एंडिंग आ गई है, एक दो, दो बनाए, फिर दो चेन लेंगे, फिर दो बनाएंगे, दो हो गए, एक दो और एक तीन, तीन चेन लेंगे और फिर बीच में एक बनाएंगे, देखिए इस तरीके से, फिर एक चेन, दो और ये तीन, तीन चेन लेंगे और फिर बीच वाली में ऐसे बना देंगे, दो दो हाफ डबल क्रोशिया बना लेना है इसमें बीचों बीच में, दो हुए, दो चेन, फिर दो हाफ डबल क्रोशिया, इस तरीके से हम इसको बनाते हुए चले जाएंगे। अब यहाँ से देखिए, फिर यहाँ भी हम एक दो तीन चार पाँच छः सात, सात चेन बना के और फिर इधर टर्न हो जाते हैं। अब यहाँ हमारा लास्ट प्रोसेस है, देखिएगा कैसे बनाना है इसे। फिर दो हमने लिया हाफ डबल क्रोशिया, फिर दो चेन, फिर हाफ डबल क्रोशिया, दो बना लिया हमने, उसके बाद फिर हम एक और दो चेन बना लेते हैं, सेम प्रोसेस। ये देखिए जो हमने यहाँ पे किया है, लास्ट के बाद यहाँ पे आधा चेन और इधर आ गया है, उसके बाद इसमें दो चेन बनेगा, दो इधर से और फिर इसमें बना के हम यहाँ पे, तो एक दो तीन और ये चार, चार चेन बना लेते हैं और फिर इस वाली में डाल के ऐसे निकाल देते हैं, एक दो, फिर हाफ डबल क्रोशिया, एक दो चेन लेंगे, फिर हाफ डबल क्रोशिया दो बना लेंगे इस तरीके से। देखिए ये देखिए दो बना लिए हमने, एक दो तीन, तीन चेन लेंगे टर्न हो जाएंगे, फिर यहाँ पे हम एक दो, दो चेन बना लेंगे और फिर दो चेन बनाएंगे, फिर दो हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे ऐसे,
ये हमारा लास्ट है। फिर दो चेन लेंगे और फिर इसमें दो हाफ डबल क्रोशिया बना लेते हैं। जैसे हमने यहाँ पे बनाया है, ये देखिए बीच में दो बना है, यहाँ पे दो हाफ डबल क्रोशिया, फिर पांच चेन ले लेते हैं, फिर दो, इस तरीके से कंप्लीट हो जाएगा। तो एक और ये दो, दो हो गया। फिर एक दो तीन चार पाँच, पाँच एक छः एक सात, जो हमने ये बनाई है वही बनाना है ये वाला। उसके बाद से फिर इसी पे हम दो बना लेते हैं, एक और ये दो, दो हो गया हमारा। और फिर एक दो, दो चेन लेके फिर दो इसमें हम बना लेते हैं, एक दो, फिर दो, फिर एक दो चेन लेंगे और फिर दो बना लेंगे। इस तरीके से हमारी एक साइड की डिज़ाइन कंप्लीट हो जाती है। ये देखिए ऐसे बना लिया हमने, और इसको ऐसे तोड़ देंगे कैंची से निकाल के। ये देखिए डिज़ाइन हमारी कंप्लीट हो गई एक साइड की। ये हमारी डिज़ाइन आगे वाली फ्रंट वाली, इसमें तीन एक चार, ये देखिए ऐसे कंप्लीट हो गई, सही बनी एकदम। देखिए अब हमको ये नीचे वाला इधर साइड में बनाना है, तो इसको देखिए कहाँ जॉइंट करेंगे इस थ्रेड को हम, यहाँ से स्टार्ट करेंगे। ये देखिए ऐसे बीचों बीच से यहाँ से स्टार्ट करिए, ऐसे गांठ लगा देंगे। वीडियो अगर छोटी रहेगी तो इसको हम एक ही पार्ट में अपलोड कर देंगे, वरना ज़्यादा लंबी हो जाएगी तो दो पार्ट में, फर्स्ट और सेकंड पार्ट में अपलोड कर देंगे। देखिए यहाँ से इसको हम ऐसे खींचेंगे, एक दो तीन चेन बना के, फिर इसमें हम वही सेम प्रोसेस, दो हाफ डबल क्रोशिया, दो चेन, फिर दो हाफ डबल क्रोशिया, ऐसे बना लेंगे इस तरीके से। फिर तीन चेन लेंगे और ये फिर हमारा घटते हुए क्रम में चला जाएगा, एक ऐसे, फिर एक चेन लेंगे, फिर बीच में डालेंगे ऐसे, फिर एक चेन लेंगे, फिर एक बीच में बनाएंगे, तो ये तीन हो गया, ऐसे ऐसे तीन हो गया। फिर इसको एक चेन लेंगे, दो और ये तीन, तीन चेन लेंगे और इसके बीच वाले में, इस वाले में फिर हम एक दो और फिर दो चेन लेंगे और फिर दो हाफ डबल क्रोशिया इसी में बना लेंगे। तो ये हमारे वन साइड की डिज़ाइन हो गई, एक हमने कंप्लीट कर लिया, एक ये डिज़ाइन बन गई। फिर एक दो तीन चेन लेंगे, टर्न हो जाएंगे, फिर इसमें एक हाफ डबल क्रोशिया, दो हाफ डबल क्रोशिया, दो चेन और दो हाफ डबल क्रोशिया, इस तरीके से ही पूरी रो हमें कंप्लीट करनी है। देखिए फिर तीन चेन लेंगे और फिर इसके बीच में डाल के ऐसे दो हमें हाफ डबल क्रोशिया चेन लेते हुए ऐसे बना लेने हैं। देखिए दो बन गया, एक ही आ गया, फिर एक तीन चेन हो गए हमारे, फिर बीच वाले में डाल के इस तरीके से एक दो, दो हाफ डबल क्रोशिया, फिर दो चेन, फिर दो हाफ डबल क्रोशिया। देखिए आप इस तरीके से तीन चार पाँच छः बटरफ्लाई बना बना के थाल पोस्ट बना सकते हैं, डोर हैंगिंग बना सकते हैं, जो आपका मन करे आप बना सकते हैं। एक दो तीन चेन लिए, फिर टर्न हो गए हम, फिर इसमें दो हाफ डबल क्रोशिया, जिस तरीके से प्रोसेस हमने पहले वाले सेम वही प्रोसेस रहेगा। ये दो बनाए हमने, फिर दो चेन लिए, फिर दो इसमें बना लिए हाफ डबल क्रोशिया। ये देखिए इस तरीके से बनाने के बाद ऐसे, ये देखिए एक और बना लेते हैं, दो हो गए हमारे,
फिर तीन चेन हैं, एक दो तीन चेन लेंगे और इस लास्ट वाले में डाल के हम इसको ऐसे निकाल लेंगे। हमारा ये पत्ती की डिज़ाइन भी कंप्लीट हो गई है। फिर एक बार एक दो तीन चेन लेंगे और फिर इसके बीच वाले में डाल के ऐसे हाफ डबल क्रोशिया बना लेंगे, यूं डाल के इस तरीके से एक और ये दो, दो हाफ डबल क्रोशिया हो गए। ये देखिए दो हाफ डबल क्रोशिया, फिर दो चेन और फिर दो हाफ डबल क्रोशिया, ये देखिए ये हो गया हमारा। फिर एक दो तीन, तीन चेन लेंगे टर्न हो जाएंगे, एक दो, दो हाफ डबल क्रोशिया लिया, दो चेन बनाए, फिर दो हाफ डबल क्रोशिया लेंगे इस तरीके से लिए, फिर यहाँ पे एक दो तीन चार पाँच, पाँच चेन लेंगे और फिर इसको कवर करेंगे इस तरीके से बुन के, एक दो, फिर दो चेन, फिर दो हाफ डबल क्रोशिया, देखिए फिर एक दो तीन, फिर टर्न हो जाएंगे, एक और ये दो, दो बना लिए हमने, फिर एक दो, फिर दो, फिर दो चेन बनाएंगे इस वाले में, दो हाफ डबल क्रोशिया बना लेते हैं ऐसे, एक दो तीन चार पाँच छः सात बना लिए हमने, फिर यहाँ पे दो हाफ डबल क्रोशिया बना लेंगे जिस तरीके से, फिर दो चेन बना लिए और फिर दो हमने इसमें दो हाफ डबल क्रोशिया बना लेते हैं, उसके बाद से दो चेन लेंगे, फिर दो हाफ डबल क्रोशिया। अब हमारी डिज़ाइन इस तरीके से कंप्लीट हो गई, देखिए इसको कट कर देंगे यहाँ से, देखिए क्रोचेट की बटरफ्लाई तैयार हो गई बनके। पसंद आए तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और कमेंट करिएगा, और जिसने चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो वो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ये देखिए कितनी प्यारी क्रोचेट बटरफ्लाई बनके हमारी कंप्लीट हो गई, ये देखिए पंखुड़ी सहित। आप चाहें तो इसको अटैच कर सकते हैं थालपोस की डिज़ाइन बना के, उसमें आप इसको अटैच करिए, या फिर आप इसका टोरन बना लीजिए, या इसकी आप इतनी बड़ी बड़ी बटरफ्लाई बना के उसका टोरन का पट्टी बना लीजिए, बहुत ही प्यारा लगेगा। थैंक यू।